बहुत प्यास लगी है। सुना है तालाब का पानी भी सूख गया है। हाँ, पर थोड़ा बहुत तो बचा ही होगा। हाँ, जब भी सूखा पड़ता है सभी जानवरों में पानी बराबर बढ़ता है, यही जंगल का कानून है। सूखे के वक्त तुम जानवरों से पानी का हक नहीं छीन सकते शेर खान। इस जंगल में मेरी चलती है बरखुरदार, इसलिए ये फैसला भी मैं ही करूँगा। क्यों ना मैं अपना गला गीला करके तुम्हारी मदद कर दूं शेर खान। हाँ ठीक है। ये तो नाइंसाफी है शेर खान, ये सब करके आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, पर अगर तुम्हें पानी ही पीना है तो कीमत चुका दो। और बताओगे पानी की क्या कीमत लगाई है? इंसानी बच्चा। उसे मुझे दे दो और बदले में जितना चाहो उतना पानी पी लो। मुझे अपना बलिदान देना ही होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो बाकी सभी प्यासे मर जाएंगे। वो तो है मोगली, पर शेर खान की ऐसी शर्त नहीं मानी जा सकती, ये नाइंसाफी है। अगर किसी तरह शेर खान को लालच देकर पानी से दूर ले जाया जाए तो उसे एक ही चीज से ललचाया जा सकता है, और वो है मोगली। अरे हाँ बलू, इससे तो सारी परेशानी सुलझ जाएगी। हाँ, मुझ पर भरोसा रखो बलू, मैं जानता हूँ थोड़ा जोखिम भरा काम है, पर मुझे यकीन है हम सबकी भलाई इसी में है। इस नारियल पानी से थोड़ी ताकत मिलेगी। चलो दोस्तों, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। तो क्या फैसला किया है? अपने दोस्तों के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हो? और क्या कर सकते हैं? जानता था दो दिन प्यासा रहने के बाद तुम सही फैसला लोगे। बस बस, अब बातें बंद करो, मुझे ले जाओ और इन सबको पानी पीने दो। दिल हो तो इंसानी बच्चे जैसा, बाकी सभी आंखें बंद कर लो क्योंकि नजारा भयानक होगा। डायलॉग बाजी बंद करो, अगर मुझे खाना है तो मुझे पकड़ना होगा। हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। अरे नहीं, मोगली ने सारी तैयारियां की हुई हैं। उसका प्लान काम करेगा ना? सब दुआ करो मोगली सुरक्षित लौट आए। Ha 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 ha!
मोगली, लाख लाख शुक्रिया। शेर खान को नानी दादी और मौसी भी याद दिला दी। तो चलो अब चैन से पानी पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। शेरखान, मुझे तो बाहर निकालो प्लीज। शेरखान प्लीज। पानी से दूर रहना। बोलो किसी और को प्यास लगी है? नहीं तो। कोशिश अच्छी थी इंसानी बच्चे, पर अफसोस काम नहीं आई। वही तो, भला मैं तुम्हारे सामने किस खेत की मूली हूँ शेर खान। लेकिन मोगली वो... नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा बघीरा। मुझे खुद को शेर खान को सौंपना ही होगा, जो काम शायद मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। देर आए पर दुरुस्त आए बरखुरदार। अब चलो। बस एक बात शेर खान, एक आखिरी बात कहनी है। अब क्या रह गया? मैं अपने दोस्तों को अलविदा कहना चाहता हूँ, इसके बाद वो मुझसे कभी नहीं मिल पाएंगे ना। हाँ ठीक है, जाओ, पर जल्दी से मिलकर आ जाओ। मोगली तुम ये नहीं कर सकते। देखो मोगली, हमारा साथ यहीं तक था। तुम ये क्यों कर रहे हो मोगली? तुम्हारे बदले मैं चला जाता हूँ। तुमसे बात नहीं बनेगी बघीरा, शेर खान सिर्फ मुझे चाहता है। बाय बाला, ख्याल रखना लाली, तुम दोनों की बहुत याद आएगी। अलविदा की, जाने का वक्त हो गया। अब बहुत हो गया डेली सोप का ड्रामा, अब होगा कुकरी शो। बारिश हो गई। बारिश हो गई। सूखा खत्म। तुम्हारे दिमाग को मान गए मोगली, पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी? इंसानों में एक बात मशहूर है बलू, आसमान हो साफ तो डरने की नहीं बात, पर सुबह आसमान लाल तो बारिश का है पैगाम। मुझे पता था बारिश जरूर होगी। अच्छा, तभी तुम मिलने में इतना वक्त लगा रहे थे हा? ताकि जल्दी से बारिश हो जाए। पर तुमने हमें अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया मुगली? मुझे भी पूरा अंदाजा नहीं था कि ये काम करेगा, इसलिए सोचा जब होगा पता चल ही जाएगा। और शुक्र है वो काम कर गया। अब चलो पानी के मजे लिए जाए। बलू, अभी बरसात शुरू ही हुई है। बचाओ, कोई आसपास है क्या? कोई तो भलाई कर दो। शेर खान, पता था तुम जरूर आओगे, तुम्हारे जैसा दोस्त आज तक नहीं देखा। ज्यादा सर मत चढ़ना तबाकी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, वो तो मैं तुमसे कभी कभी अपना काम करवाता। पानी से एलर्जी है मुझे। सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी इंसानी बच्चे।
जाकर नहीं खेल सकते, मेरा घर तोड़ दिया बच्चों। शेर खान, एक मिनट के लिए मैं मुड़ा क्या, मोगली गोली की तरह गायब हो गया और वो भी लेसन को बीच में छोड़ के। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बगीरा। मेरी? पर कैसे? वो इसलिए कि तुमने उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए। बगीरा, मेरे साथ चलकर देखो, उन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया। पर किसने? मोगली और शेर खान ने। इस बार वो मोगली को नहीं छोड़ेगा। मोगली बहुत तेज भाग रहा था और वो शेर खान उसके पीछे पीछे चले भी गए। बस वो घड़ी दूर नहीं इंसानी बच्चे। बोल मत, पकड़ के दिखा शेर खान। बचाओ! आ रहा हूँ। ओह, लगता है आज भी खाना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं तो ये रेत का दलदल तुझे निकल जाए। शेरखान, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा। तो क्या तुम्हारी विदाई करके जाऊं? अगर मोगली को कुछ हो गया तो मैं खुद को। बलू, ये थकने का वक्त नहीं है। बचाओ! कोई है? बचाओ मुझे! बचाओ! कहीं से आवाज आ रही है। बचाओ, प्लीज बचाओ। ये लो, इसे कस के पकड़ो मोगली। इंसानी बच्चा नहा रहा है, वो भी अकेला। चलो इसका नहाना किसी का खाना बना दूं। नहाकर अच्छा लग रहा है मोगली? पूरी सफाई हो गई, पर मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। वो मुझे बचा सकता था दोस्तों। तुम शेर खान से ऐसी उम्मीदें लगा रहे हो? मुझे अकेले रेत के दलदल में छोड़ने का बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा। तुम बस देखते जाओ दोस्तों। नहीं मोगली, तुम्हारा दिल उस शेर खान से बड़ा है और बदले की भावना से हमारा दिल छोटा होता है। ऐसी बातें नहीं करते। शेर खान, मैंने अभी अभी इंसानी बच्चे को देखा, वो भी अकेला था। मुझे लगा इतनी बड़ी खबर का छोटा सा इनाम मिल जाएगा। वो हड्डी दे दो ना। इंसानी बच्चा मर चुका है। अरे वो नहा रहा था, जल्दी करो, मैं तो कहता हूँ उसे पानी में। क्या, मर गया? अब बहुत बुरा हुआ, बेचारा रेत के दलदल में धंस गया। मैंने उसे अभी देखा। नहीं, अगली बार अगर कभी रेत के दलदल में फंसो तो उससे निकलने के लिए ज्यादा We'll be right back.
स्वादिष्ट, मजेदार। और तो माफ करना, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया है कि? पर फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। पर वो ऐसा नहीं होगा ना, मुझे एक खोखला पेड़ बहुत पसंद है। देखो, जंगल में ऐसे और भी कई पेड़ मिल जाएंगे। मुझे पता था ये जिंदा ही है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं नहीं, इंसानी बच्चा सच में जिंदा है। ओ शेर खान, इस खबर को सुनकर मुझसे और खुश हो जाएगा और इसकी टांगे मुझे खाने को देगा। शेर खान, मैंने तो इंसानी बच्चे को देखा। इंसानी बच्चा जिंदा है? हाँ शेर खान, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे कुछ ही मिनटों पहले देखा था। जल्दी करो, तुम इसे पकड़ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है वो, पास ही है। और उसे पकड़ने के बाद मुझे पता है तुम उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे खाने दोगे ना? बेरहम, जवाब तो दे देते। बोलो, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, इतना सूखा चलेगा और अंदर बरसात का पानी भी नहीं आएगा। तो आज से ये तुम्हारा नया घर है ना? कि नहीं। ओ मान जाओ विकी, ये इतना भी बुरा नहीं है। उधर तो मैं हूँ परखुरदार, लगता है तुम मेरे पेट में जाकर ही दम लोगे। दूर रहना शेर खान, वरना मैं वरना क्या करो। मुझे बचाओ इंसानी बच्चे, अरे मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मुझे। मैं मरना नहीं चाहता। तो मेरा तमाशा बनाने आए हो? यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजा? नहीं शेर खान, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ऐसे ही पकड़े रहना। मोगली, कहाँ हो तुम? यहाँ नीचे। मोगली और शेर खान, ये तुम दोनों? बलू, बघीरा, तुम दोनों को यहाँ देखकर राहत मिली और शेर खान को भी जरूर मिली होगी। तो शेर खान, मोगली को शुक्रिया नहीं कहोगे? शुक्रिया? जान बचाने के लिए आज तो जाता हूँ, पर कल? मैंने इसे बचाया ही क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही हो मोगली, क्योंकि तुम्हारी इस नन्ही सी जान में उस शेर खान के मुकाबले ज्यादा दया की भावना है, क्योंकि तुम अलग हो। इकी, तुमने इन्हें शेर खान के बारे में बताया? अब नया घर ढूंढने के बदले मुझे भी तो कुछ करना था ना। शेर खान, इंसानी बच्चा कहाँ है? काम तमाम कर दिया उसका? तुमने पूरा खा लिया क्या? मेरा हिस्सा भी खुद चट कर गया। Thank you.